कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बढ़िया होंगे और आपकी तबीयत भी अच्छी होगी, घर वालों की तबीयत भी अच्छी होगी और सभी घर पे कुशल मंगल होंगे। ये मेरा सेकंड व्लॉग है और सेकंड व्लॉग की स्टार्टिंग कर रहा हूँ अपने दोस्त के घर से। यहाँ से मैं पहले व्लॉग में हेलमेट लेके गया था, आज हम चलेंगे गुगा मेडी। गुगा मेडी यहाँ पे 100 साल पुराना प्राचीन मंदिर है जो गुगा जी महाराज का है, और वहाँ हम देखेंगे वो एक सैंड ड्यून मतलब टीवी के ऊपर बना हुआ है, और वहाँ के नज़ारे के आनंद लेंगे और आपको मंदिर दिखाऊंगा मैं। वहाँ हर साल लगभग 5 गांव से लोग आते हैं और अपने गांव-गांव का झंडा लेके आते हैं। गांव-गांव का झंडा नहीं, मतलब हर अपने गांव की गुगा मेडी का झंडा लेके आते हैं और उस मेडी के ऊपर चढ़ाते हैं। तो मैं आज आपको वही मेडी कैप्चर करूँगा इस वीडियो के अंदर। ठीक है, चलते हैं गुगा। हम रास्ते में हैं और यहाँ से वो दिख रहा होगा, यहाँ से दिख रहा है गांव की औरतें। अभी चल रहे हैं हम रास्ते, यहाँ से थोड़ा थोड़ा पीछे हो रहा होता है मेरा मंदिर। ये है मंदिर जाने का रास्ता। काफी खराब रास्ता है, और एक हाथ से ड्राइव भी कर मतलब राइड कर रहा हूँ मैं, ये भी आ रही है मेरे को ड्राइव करते हुए। और वो सामने मंदिर दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा आपको, इधर से चल रहे हैं मंदिर के लिए, और साथ में ड्राइव भी कर रहा हूँ ऐसे कच्चे में। और ये पहुँच गए मंदिर। मंदिर की और ये रहा वो मंदिर, ये जो पुराना मंदिर है वो है जिसमें गुगा जी महाराज की मूर्ति है। ये और यहाँ जो फेरी वेरी लेते हैं ये। और आपको दीवारों पे ये सांप दिख रहे होंगे, ये शिव जी के बाद में दूसरे ऐसे गॉड हैं मतलब जो सांपों से हमें रक्षा करते हैं, और इनके भी सांप प्रिय हैं। और ये जिस फ्लैग की बात करा था मैं, ये रहा वो फ्लैग, ध्वज बोलते हैं इसको, बट काफ़ी सारा बड़ा है ये। और ये जो नया मंदिर है वो गुगा जी महाराज का। गुगा जी महाराज के साथ में गोरखनाथ जी का मंदिर, दीप जलते रहते हैं 24 घंटे। और इसमें ये स्थान जहाँ से फेरी लेते हैं मतलब गैलरी फेरी लेने के लिए। और ये बैठने के लिए जहाँ भजन वजन होते हैं, तो ये बैठने के लिए जगह है, वो पुराने वाले की जगह है, ये माइक को बसने रहता है। ये भी काफ़ी पुराना नियम है। और ये जो बेंचेस लगा रखी है हमारे काकोसा ने लगवाई थी, ये भगत जो मंदिर के पुजारी रहते हैं वो यहाँ रहते हैं इसमें। और ये मैं आपको बता रहा सैंड ड्यून्स के ऊपर बना हुआ है मतलब टीबे के ऊपर बना हुआ है। टीबा देखो जैसे नीचे ग्राउंड लेवल आपको दिख रहा होगा अलग ही, ये काफ़ी ऐसे गहराई के अंदर है और ये काफ़ी ऊंचाई के अंदर है। ये बारिश बारिश के आने पर यहाँ पर जो लोग रहते हैं जो मतलब गायों भैंसों और बकरियों को चराते हैं ना, वो आके यहाँ रह सकते हैं मतलब कि थोड़ी देर के लिए बारिश से बच सकते हैं। यहाँ अपनी बाइक खड़ी है। और कुछ ऐसा 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 मंदिर है, ये एक मंदिर, दूसरा ये तीसरा। अभी जो लास्ट 22 तारीख गई है, इसी दिन गुगा जी महाराज का मेला था यहाँ पर, वो वाटर टैंक। और ये अप्रोक्स 100 साल पुराना मंदिर है, ये 100 साल से भी ज़्यादा पुराना मंदिर है। और ये एकदम जंगल के बीच के अंदर है, दिख रहा होगा आपको चारों तरफ पेड़ पेड़ है और कुछ नहीं है, और पशु और थोड़े बहुत नॉर्मल
इंसान मिलेंगे आपको जो पशुओं को चराने आते हैं, ये 10 पेस जहाँ नारियल वारियल बढ़ाते हैं, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, अब बिल्कुल ना भूलिए लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और आगे से आगे बढ़ाइए और चैनल की ग्रोथ कराइए, और आपको इसी तरह से बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे गाँव के बारे में। थोड़े दिन बाद में हम राजस्थान का टूर करेंगे, राजस्थान के टूर के बाद मनाली, मनाली लद्दाख, ऐसे टूर होते रहेंगे हमारे, और आपको दिख ही रहा होगा काफ़ी अच्छा व्यू है मेरे पीछे, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में, मेरा वीडियो एक दिन छोड़िए एक दिन आएगा आपके लिए, ठीक है।